घर की, जहां सारण से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने साइबर अपराधियों का समर्थन किया है। रणधीर सिंह ने एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको हम थोड़ी सी ये उनकी उन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में बता दें। उन्होंने साफ तौर पर साइबर अपराधियों का समर्थन किया और ये कहा कि हमारे यहाँ का आदमी बिहार यूपी के आदमी को बेवकूफ बना लेता है, तो उस राज्य के आदमी को होशियार बनाइए। हमारी जनता बिना पढ़े इतनी होशियार है तो उसे क्यों परेशान करते हैं? पुलिस पकड़ लेती है, हम कहते हैं गरीब को तंग मत करो, पुलिस पकड़ती है तो कारण ढूंढ कर पकड़े। गरीब जनता को अगर परेशान किया जाएगा और जिस दिन खोपड़ी घूम गया थाना घेर लेंगे। अगर आपको नए नंबर से कोई फोन करता है तो क्यों आप उसे अपनी जानकारी बताते हैं? हमारे क्षेत्र की पब्लिक का कोई भी एटीएम नहीं मार पाया, दूसरे देश का पैसा हमारे यहाँ आ रहा है तो ये अच्छा है, किसी को ठगा जा रहा है तो उसे होशियार बनाइए। मतलब ये कि रणधीर सिंह मानते हैं कि साइबर क्राइम ठीक है। सुनाते हैं आपको वो पूरा वीडियो जिसमें ये तमाम बातचीत करते नजर आ रहे हैं विधायक। तो हमारा जनता यदि होशियार है और आपको बुढ़वा बना लेता है तो उस देश के आदमी को उस राज्य का जनता को पहले होशियार बनाइए। कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64। अगर हमारा यहाँ का जनता बुढ़वा बना रहा है आपको, तो पहले वहाँ का जनता को होशियार बनाइए ना जी। हमारा जनता बिना पढ़ रहे इतना होशियार है तो हमारा जनता को कहाँ कोई बात पता है? एटीएम तो बताइए, मार्केट दिखा दे। आज पुलिस लोग काम करता है, कोई पुलिस पकड़ता है, थाना वाले लोग आके पकड़ के ले गए। पहले लोग बैठते थे झुंड बना के, लेकिन अब झुंड नहीं बनाते हैं। अब लोग सारा आदमी है सो अब घर में या बाहर चल जाते हैं, कलकत्ता दिल्ली मद्रास और वहीं होटल में बैठ के वहीं से काम करता है लोग। मोबाइल से काम करना है। मत पकड़ो भैया, गरीब को तंग मत करो। ये दिन रहने से खोपड़ी गर्म होगा, थाना घेर लेंगे। टाइम कोई किसी को फंसाता है चक्कर में तो पहले उसको आप होशियार बनिए। कोई मोबाइल आपको फोन किया नया नंबर से और कुछ आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो आप काहे फंस रहे हैं? काहे अपना चीज बताते हैं उसको? क्या जी घरों पर बैठा बोले तो आपके पास कार्ड तो होगा? कार्ड? हाँ कार्ड है मेरे पास। हाँ तो सर आपका कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट हमें बताइए सर। हाँ जी हाँ बताते हैं रुकिए। हाँ जी मैडम जी लिखिए 6216825371 और इसका एक्सपायरी डेट है अगस्त 2025। जी धन्यवाद सर। सर आपके कार्ड के पीछे एक सफेद पट्टी पर 3 अंकों का सेवी डिजिट कोड दिया होगा सर, वो हमें बताइए। हाँ जी अब लिखिए 6 8 6। जी सर 2 मिनट लाइन। एक भी पब्लिक को आज तक कोई एटीएम नहीं मारता, कोई हमारा क्षेत्र का जनता का खाता पैसा नहीं निकल पाया, लेकिन बाहर का पैसा हमारा क्षेत्र का जनता काम के लाता है तो दूसरे देश का पैसा हमारा देश में आ रहा है तो बढ़िया ना है वो? दूसरे राज्य का पैसा यहाँ आ रहा है, विकास हो रहा है? जब भी किसी को ठगता है तो आप ठगा रहे हैं, पहले उसको होशियार बनाइए ना। हमारा जनता को पकड़ रहे हैं, पहले उसको होशियार बनाइए। हमारा जनता को क्या पकड़ रहे तो हमारा समर्थन कर रहे हैं सारठ विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर साइबर क्राइम हो रहा है, अगर बेवकूफ लोग बनाए जा रहे हैं तो जो लोग बेवकूफ बन रहे हैं उन्हें पहले होशियार बना लें। दूसरे राज्य के लोग अगर बेवकूफ बन रहे हैं तो वहां पहले उन लोगों को होशियार बनाया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर साइबर क्राइम के नाम पर गरीब जनता को आकर पकड़ा जाएगा, परेशान किया जाएगा तो थाने का घेराव कर लेंगे। तो ये एक तरह से देखिए विवादों को जन्म देना और विवादित बयान देना और इस तरह के खासकर इस तरह के मामले को लेकर साइबर क्राइम को लेकर झारखंड काफी बदनाम रहा है। जामताड़ा कोई भूला नहीं होगा, पिछले कुछ दिनों में दूसरे जिले में से भी ऐसी कई खबरें आई, देवघर से भी खबरें आई, किस तरह से यहाँ से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके पैसे
उड़ा लिए जा रहे हैं उनके खाते से, और जामताड़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं। बाकायदा इस पर एक फिल्म भी बनी। लेकिन इन सब के बीच एक जनप्रतिनिधि जो एक समाज का, जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, वो अगर इस तरह के बयान दे, खुलकर समर्थन करे साइबर क्रिमिनल का, तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल न सिर्फ उठेंगे बल्कि जवाब जरूर मांगे जाएंगे उनसे कि क्यों साइबर क्रिमिनल का समर्थन, क्यों साइबर क्राइम का सपोर्ट। ये जो बयानबाजी है, जिस तरह से सारठ विधायक रणधीर सिंह बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो साइबर क्राइम का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये होशियारी वाला काम है, टैलेंटेड हैं लोग तभी ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा टैलेंट किस काम का सर कि किसी के खाते से रुपए निकाल लिए जा रहे हैं। एक गरीब जनता, एक आम आदमी, जब उसके खाते से उसकी जमा पूंजी इस तरह से उड़ा ली जाती है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये टैलेंट उन पर कितना भारी पड़ता होगा? शायद नहीं। और यही वजह है कि आपने इस तरह के बयान दिए हैं। तो ये टैलेंट किसी काम का नहीं, जब इसका शिकार एक आम आदमी होता है, एक गरीब जनता होती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सारठ विधायक साफ तौर पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं साइबर क्राइम का, साइबर क्रिमिनल का, और ये कह रहे हैं कि ये तो होशियारी का काम है और जो लोग ठगे जा रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो इन साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, इन्हें पकड़ने की बजाय पहले उन पब्लिक को होशियार बनाया जाए ताकि ऐसे क्राइम ना हो। यानी क्रिमिनल्स पर रोक लगाने की बजाय लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को होशियार बनाया जाए ताकि ऐसे क्राइम के वो शिकार ना हो सकें। कैसे साइबर अपराधियों के टैलेंट के मुरीद हुए हैं सारठ विधायक रणधीर। आपको बताएं कि जिस तरह से जामताड़ा से साइबर क्राइम की खबरें लगातार आई और एक बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ वहां पर, उसके बाद अमेरिका से एक टीम आने वाली है यहां पर रिसर्च करने के लिए कि आखिर कैसे यहां से इतने बड़े बड़े साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया। और इन सब के बीच देखिए एक जनप्रतिनिधि का बयान, इस तरह से जनप्रतिनिधि के बोल जो विवादित हैं, सवालों के घेरे में हैं। साइबर अपराध का समर्थन करते नजर आए हैं सारठ विधायक रणधीर सिंह। आपको बताएं कि सिर्फ आम जनता ही नहीं, प्रतिष्ठित व्यक्ति तक साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है और उसके बाद नकेल कसने की तैयारी शुरू हुई। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष, इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। मनीष, देखिए साइबर क्राइम के शिकार बड़े बड़े लोग भी हो चुके हैं, वो लोग जो काफी उनके अकाउंट्स की सुरक्षा और ये बहुत बंदिशों में रहती है, बावजूद इसके वो भी इसके विक्टिम बन चुके हैं, सिर्फ आम आदमी ही नहीं हुआ इसका शिकार। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब इस तरह का बयान देता है तो ये तो साफ तौर पर साइबर क्राइम का समर्थन करते नजर आ रहे हैं विधायक रणधीर सिंह। देखिए आरती, इनके पूरे बयान को जब आप सुनेंगी तो कई बातें इन्होंने कही है, सिर्फ साइबर क्राइम पे ही नहीं, इन्होंने कई उसी से जुड़ी हुई कई बातें इन्होंने कर दी है। दरअसल क्यों कही है पहले हम आपको ये बता दें, दरअसल क्योंकि ये वीडियो संभवतः मुझे लगता है कि जो काली पूजा होता है उस कार्यक्रम का ये वीडियो वायरल हुआ है। क्यों कहा है पहले हम आप इस चीज को समझिए। दरअसल अभी जो अभी वर्तमान में जो एसपी है वो टेक्नोक्रेट्स हैं, इनसे पहले पीयूष पांडे वो भी टेक्नोक्रेट थे। इन दोनों लोगों ने जब दबीश बनानी शुरू करी तो अब तक सारठ विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक आते हैं, बड़बोले विधायक है ये, क्योंकि इनको बयान देने से ये बचते नहीं है, तो ये जिन इलाकों से इनके इलाके से हम कह सकते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र से अभी तक साइबर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे। हो सकता है कि इनके दबीश में पुलिस छोड़ देती होगी,
अब लगातार अश्वनी सिन्हा जब एसपी आए हुए हैं और इस समय वहां पर एक प्रमोटी नहीं क्या सॉरी आईपीएस है, प्रोफेशनल आईपीएस है चौधरी करके, कपिल चौधरी वो है, वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, यानी कि वो छापेमारी करते हैं, जो पकड़े जाते हैं तो उनको पकड़ते हैं। तो इन दोनों यानी कि एसपी और वहां पे जो अभी प्रोफेशनल एसपी हैं आईपीएस हैं जो, वो उनके होने के बाद से लगातार सारण विधानसभा क्षेत्र से, आप समझ सकते हैं सारण थाना उसके अलग अलग इलाके से साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जब हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो अब तक सारठ का नाम कभी नहीं आ रहा करता था, अब सारठ आने लगा, यानी कि पहले जामतला से कौरो और जो औरती इलाका है वो शिफ्ट होकर के भी सारठ की तरफ आ गया। तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो विधायक है, और ये कोयला चोरी जैसे मामलों में आप अक्सर सुनने में आता है कि साइकिल वाले को पुलिस पकड़ती है तो ये थाने पहुंच जाते हैं और अपनी दिखाते हैं रूप, जो इलाका का जो उनका जो अपना होता है तरीका वो है। इन्होंने कई बातें कही है, एक रीजन यही है कि अब यहाँ के लोग पकड़े जाने लगे हैं। दूसरी बात इन्होंने साफ कहा है कि आप अनपढ़ हैं, आप अगर अपने अकाउंट्स को नहीं ठीक से रख सकते हैं तो गलती आपकी है, ये साफ ये कह रहे हैं। तो ये तो भोली भाली जनता, कई लोग ऐसे इसके शिकार हो जाते हैं। आरती आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 मंथ पहले मेरे भी अकाउंट से कुछ पैसे निकल गए थे। मैं पिछले 17-18 साल से मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम लोग भी नहीं समझ पाते कई चीजें जो आज के जनता ज्यादा समझते हैं। तो जो लोग ये सीधे कह रहे हैं कि आप नहीं समझ। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि बिहार की, भाई ये तो अच्छी बात है कि पैसे बाहर से आ रहे हैं, इनकी ही सरकार में रघुबर दास जी के साथ मैं जब आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैं घूम रहा था तो जामताड़ा में रघुबर राजे सीएम उन्होंने रघुबर दास ने खड़े होकर के जामताड़ा में साइबर अपराधियों के बारे में बोले थे। ये बगल में खड़े थे, ये चुप थे, लेकिन इनका तब इन्होंने ये कह रहे हैं कि पैसा आप वहां से ले आइए तो यहाँ का विकास होगा। अच्छी बात है कि पैसा आप टांग के लाते हो तो यहाँ विकास होता है, या ये मानते हैं कि इनके सरकार के पास पैसे नहीं थे, ये भी एक बात है। दूसरी चीज ये साफ कह रहे हैं कि आप साइबर अपराधी करो, आपको पुलिस नहीं लेके जाएगी। पुलिस को भी कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं पुलिस ले जाओगे तो फिर हम लोग ये करेंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से, जिस लिहाज से ये इन्होंने भरे मन से ये बात कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे अपने आप पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कायदे से इन्हें लोगों को समझाना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए कि तरीका गलत है ये पैसे का, भोली भाली जनता। और सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, अब देवघर भी पूरे राष्ट्रीय मंदिर, पिछले 5 साल से मैं इस शहर में, मैं इस जिले में मैं काम कर रहा हूँ संथाल में, लगातार अब तो संख्या कम हो गई है। जब दूसरे राज्यों की पुलिस आती थी, पहले एक समय था कि हर रोज कभी महाराष्ट्र पुलिस, कभी पंजाब पुलिस, कभी यूपी की पुलिस, कभी दूसरे राज्य की गुजरात की पुलिस, ये आया करते थे। तो ये तो कम से कम अब नए इधर ये जो एसपी आए हैं या फिर इनसे पहले जो थे, इन लोगों ने इन चीजों को कम कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है कि कहीं रेड में कहीं कोई गलती होती होगी, मानवीय भूल होता होगा, जो किसी ने नाम बताया किसी का वो उसको पकड़ के लाया गया, ये हो सकता है, ये माना जा सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, नहीं हो सकती। लेकिन एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप खुले मन से अगर इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं आपके, सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ी बात ये है मनीष की, देखिये इन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जिन्हें ये बेवकूफ बना रहे हैं, यूपी और बिहार का नाम लिया इन्होंने बाकायदा, जिन्हें ये बेवकूफ बना रहे हैं आप उन्हें होशियार बनाइए। मतलब आप क्राइम कंट्रोल की बजाय, क्राइम कंट्रोल की कवायद की बजाय जनता को होशियार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने ये भी कहा है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सारण विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो विधायक इस बात का आंकड़ा बताए कि कितने एस्ट्रोनॉमी हो गए वहां से, कितने एस्ट्रोनॉट्स हो गए, कितने साइंटिस्ट हो गए। सिंपल सी बात है ना, वो तो बहुत ऊपर की चीज है मनीष, सिर्फ इतना बताएं कि वहां पर एजुकेशनल ग्रोथ रेट क्या है, सिर्फ इतना बता दें। बिल्कुल निश्चित तौर पर, इनके कार्यकाल में, इनकी विधायकी में कितना वहां का ग्रोथ हुआ है, किस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है वहां पे, ये बताएं इसको। निश्चित तौर पर खुले मन से इस तरह से, ये सीधा सीधी बात है कि वोट बैंक की बात है, इनके जो यंग जनरेशन है वो इनसे बिदक न जाए। और साथ ही साथ इन्होंने सबको नमस्कार किया, और बाद में इन्होंने एक उर्दू शब्द का भी इस्तेमाल किया है, वो इसलिए किया है कि ज्यादातर लोगों का जो मामले इस तरह के नाम आते हैं उनमें उनका भी नाम जरूर होता है, यही वजह है कि चलते चलते इन्होंने सलाम भी कहा है। आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इन्होंने लास्ट में उर्दू में भी किसी को, इन्होंने एक तबके को इन्होंने चलते चलते सलाम ये कहा है। तो निश्चित तौर पे ये पूरा वोट बैंक की बात है। मतलब जिस तरह, अगर हम इसे इस तरह से समझे, देखिए जिस तरह से बीजेपी के हाथ से सत्ता गई, उसके बाद जिस तरह से अब वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे आप इस तरह से आपराधिक छवि के लोगों को या फिर खुले तौर पे अपराधियों को समर्थन देने की बात ही क्यों ना हो, सारठ विधायक कुछ ऐसे ही करते नजर आ रहे हैं।
निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो बैठे बैठे डिजिटल अपनी जानकारी थोड़ी बहुत जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और भोली भाई जनता जी का गाढ़ी कमाई है वो एक क्षण में आप निकाल दे रहे हैं, तो निश्चित तौर में आप गलत लोग का समर्थन कर रहे हैं। तो आप भी निश्चित तौर में अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आप भी एक तरह से अपराधी हो गए। और देखिए अब तक इनकी कोई सफाई भी नहीं आई है, ये वायरल हो रहा है वीडियो लेकिन अब तक कोई सफाई भी नहीं दी गई है कि इन्होंने किस लहजे में ये बातें कही हैं, क्यों कहा है। और साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर परेशान किया गया तो फिर थाने का घेराव होगा, यानी खुले तौर पर धमकी भी दी गई है कि आप एक्शन ना लें। आरती, इसके पीछे एक ही वजह है कि वर्तमान एसपी और वहां के जो अभी प्रोफेशनल एसपी हैं और या फिर देवघर के जो डीएसपी हैं, ये तमाम जो अभी टीम है ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, ये अपने वरीय अधिकारी की बात जरूर सुन लें लेकिन इनके हाथों कोई गलत काम नहीं हो सकता। मनीष, आप बने रहिए इस पर हम अपने दर्शकों की राय भी ले रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, क्या कुछ कहना है आपको? क्राइम कंट्रोल, साइबर क्राइम को लेकर पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और ऐसे में झारखंड के एक विधायक का इस तरह का बयान। मैडम नमस्ते, मेरा नाम एके सिन्हा हुआ, मैं एक बैंकर हूँ, रांची में पोस्टेड जी। ये माननीय विधायक जी का ये कहना कि जिनके अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है वो बेवकूफ हैं और जो लोग निकाल रहे हैं वो काफी बुद्धिमान हैं। जी जी जी, इनको हमारे बैंक में भेज दीजिए, जिन लोगों का पैसा निकलता है उन लोगों के चेहरे की बेबसी ये देखें, उनके अंदर का रोने का आवाज ये सुने, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है जी। इन लोग ये अपने वोट बैंक पे ध्यान दे रहे हैं या जो भी हो, पॉलिटिकल इशू में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैम बहुत घर बर्बाद हो जा रहा है। लोग जोड़ते हैं पैसा, टैंकों में रखते हैं अपने बच्चों के शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन लोगों को हम लोगों ने रोते देखा है, हस्बैंड वाइफ बच्चे बिलख बिलख के रोते देखा हुआ मैंने। इनको समझना चाहिए, ऐसे माननीयों को हम लोग ये तो है सर, देखिए ये है कि एक जनप्रतिनिधि जब इस तरह के बयान देता है तो लोगों को चोट पहुंचती है। आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के लिए बेवकूफ शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जरा जमीनी हकीकत तो देखिए, जब उनके बैंक से उनके खाते से पैसे उड़ाए जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। रोज हो रहा है ये, रोज हो रहा है ये, इनको क्या फाइनेंशियल हेल्प मिलता है या क्या मिलता है मैं नहीं जानता हूँ, बट कुछ तो इनको बेनिफिट है तभी ये इतना उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ एक बैंकर जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा और वाकई जब एक आम आदमी अब एक एक पाई जोड़ता है, अपने खाते में पैसे जमा करता है और इस तरह से जब उसके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं तो उसका दर्द एक आम आदमी ही समझ सकता है। और जो बैंकर्स जो जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने देखा है लोगों को रोते कि कैसे वो अपने पैसों के लिए रो रहे हैं।